नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्कूल जाने से पहले बच्चों को मिलेंगे पोशाक और किताबें, शिक्षकों को मिलेंगे आई कार्ड, कौशल प्रशिक्षण के लिए स्कूलों को आईटीआई से जोड़ने की तैयारी। आईपीएल 2025 ऑक्शन में बिहार के 4 खिलाड़ी, संघर्ष भरी है सभी की कहानी। अब देखना है किसे कितने प्राइस में खरीदेगी आईपीएल टीमें। पैक्स चुनाव के मतदाता सूची को लेकर जारी हुए निर्देश, मृत व्यक्ति सूची में है नाम तो आधार कार्ड से करे वोट। राज्य सरकार बढ़ा रही एयर कनेक्टिविटी, बिहार में 5 और नए एयरपोर्ट का हो रहा निर्माण, जानिए किन क्षेत्रों में होगा फायदा। यशस्वी ने दूसरी पारी में लगाया शतक, यशस्वी के टेस्ट करियर का बना 4th शतक, सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले सूची में 3rd नंबर पर पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार ने बच्चों को विद्यालय जाने से पहले पोशाक और किताबें उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इनके लिए संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस सिद्धार्थ ने बताया कि शिक्षक अब सरकारी स्कूलों में आई कार्ड प्राप्त करेंगे, जिससे वे ई शिक्षा कोर्स से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही स्कूलों की दीवारों पर रंगीन पेंटिंग्स लगाई जाएंगी। बच्चों को कौशल प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे, जिसके लिए स्कूलों को आईटीआई और अन्य संस्थानों से जोड़ा जाएगा। 1 दिसंबर से स्कूल छोड़ने के समय भी फोटो हाजिरी बनेगी। इसके अलावा शिकायतों की निगरानी के लिए एसओपी बनाया जाएगा और विद्यालयों में गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए शिक्षकों को 4 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया है। इन श्रेणियों में पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, नियोजित शिक्षक, बीपीएसएस शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक शामिल हैं। पुराने वेतनमान वाले शिक्षक वे शिक्षक हैं जो पुराने वेतन पर काम करते हैं और इनका तबादला केवल जिले के भीतर होता है। नियोजित शिक्षक की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर होती है और तबादला उसी क्षेत्र में होता है। बीपीएससी शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होते हैं और इनका तबादला राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है। विशिष्ट शिक्षक विशेष परीक्षा पास कर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और इनका भी तबादला राज्य सरकार के फैसले से होता है। इन श्रेणियों का उद्देश्य शिक्षक नियुक्ति, तबादला और उनके पेशेवर विकास को बेहतर और व्यवस्थित बनाना है। आज आईपीएल 2025 के ऑक्शन में बिहार के 4 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। इनमें सबसे कम उम्र के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, लेग स्पिनर हिमांशु सिंह, विकेट कीपर बैट्समैन विपिन सौरभ और तेज गेंदबाज साकिब हुसैन का नाम शामिल है। वैभव सूर्यवंशी सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जिनकी उम्र महज 13 साल है और वे रणजी ट्रॉफी में डेब्यू कर चुके हैं। संघर्ष कर आगे बढ़ने वाले साकिब हुसैन चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर भी रह चुके हैं। विपिन सौरभ जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, दिल्ली में अपनी एकेडमी फीस भरने के लिए घास काटने का भी काम कर चुके हैं। हिमांशु सिंह ने भी अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत कठिनाइयों के बावजूद की। अब देखना है कि इस आईपीएल के ऑक्शन में कौन सी टीम बिहार के 4 खिलाड़ियों को कितने प्राइस में खरीदती है। बिहार निर्वाचन प्राधिकरण ने पैक्स चुनाव में मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर किसी जीवित व्यक्ति को मृतक की सूची में डाला गया है तो वे आधार कार्ड दिखाकर वोट कर सकता है। इसके लिए उसे फोटोयुक्त शपथ पत्र और 2 गवाहों के हस्ताक्षर के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति जमा करनी होगी। इसके बाद उसे मतदान की अनुमति दी जाएगी। चुनाव अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि मतदान समाप्ति के बाद ये दस्तावेज जिला सहकारिता अधिकारी के पास जमा करें। इसके अलावा निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मतदान से पहले सही सूची बनाई जा सके। बिहार में सड़क और पुलों के विस्तार के बाद अब राज्य सरकार ने एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बड़ी योजना बनाई है। वर्तमान में पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट संचालित हैं, लेकिन जल्द ही 5 नए एयरपोर्ट भी जुड़ेंगे। ये एयरपोर्ट पूर्णिया, पूर्वी बिहार, रक्सौल, भारत नेपाल सीमा पर राजगीर, मगध क्षेत्र में, भागलपुर, सुल्तानगंज और बिहटा, पटना में होंगे। इन एयरपोर्ट्स से राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। रक्सौल एयरपोर्ट सीमा व्यापार को बढ़ावा देगा, वहीं राजगीर और भागलपुर में पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी। सरकार लगातार निर्माण प्रक्रिया में तेजी ला रही है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बैठकें कर रही है। इनमें से कुछ एयरपोर्ट के 2025 तक निर्माण होने की संभावना है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शनिवार को हेलीकॉप्टर से बालू घाटों का निरीक्षण किया गया, जिसमें डोरीगंज छपरा में अवैध बालू खनन और माफिया के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इस दौरान 3000 ट्रक और 15 लाख CFT बालू जब्त किए गए और 5 लोग गिरफ्तार किए गए। विजय सिन्हा ने कहा कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके साथ ही ब्रॉडसन कंपनी से बकाया राशि वसूलने की तैयारी भी चल रही है। खनन विभाग की कड़ी कार्रवाई से 90% ओवरलोडिंग बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन की गाड़ियों की जांच अब पुलिस के बजाय थाना प्रभारी करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व, समस्याओं का समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित वर्ग तक पहुँचाना है। मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के जजुआर मध्य पंचायत ने इस दिशा में उम्दा प्रदर्शन किया है और पंचायत विकास सूचकांक में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये सरकार पंचायत के मुखिया और उनकी टीम के प्रयासों का परिणाम है। इस पंचायत को राज्य और केंद्र स्तर पर कई बार सम्मानित किया गया है। बिहार की कई पंचायतों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और हरित गांवों के रूप में बेहतर सुविधाएं प्रदान की हैं। पंचायत विकास सूचकांक में कई पंचायतें उन्नति के रास्ते पर हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर और जहानाबाद के पंचायत प्रमुख हैं। पटना में करीब 5000 अपराधियों का डोजियर अब एक ऐप पर तैयार हो चुका है, जिसमें इन सभी का आपराधिक इतिहास दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस ऐप का इस्तेमाल चेकिंग के दौरान अपराधियों की पहचान करने में कर रही है। शनिवार रात पुलिस ने SSP, CTSP और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर सड़क पर चेकिंग की। इस दौरान 2 संदिग्धों को पकड़ा गया। ऐप पर अपराधियों के फोटो, पहचान पत्र और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की पूरी जानकारी होती है। पुलिस को ऐप में लॉगिन के लिए पासवर्ड और ID दी गई है, जिससे वे संदिग्धों की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए अपराधियों की पूरी कुंडली भी मोबाइल पर देखी जा सकती है। एंड्यूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा 23 और 24 नवंबर 2024 को कायरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथी तकनीक पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर सूर्य कुमार द्वारा CDA बिल्डिंग पटना में किया गया है। कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर मनीष अरोड़ा, डीन SBS विश्वविद्यालय देहरादून उपस्थित रहे, जिन्होंने पेल्विक और स्पाइन से संबंधित समस्याओं के निदान में कायरोप्रैक्टिक के महत्व को बताया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा अध्यक्ष IAP बिहार शाखा, डॉक्टर प्रभात रंजन एम्स न्यू दिल्ली, डॉक्टर निशिकांत कुमार ऑर्थोपेडिक सर्जन मेडिवर्सल पटना, ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरी सेंटर कंकरबाग के डॉक्टर सुजित कुमार, डॉक्टर अमित रंजन ऑर्थोपेडिक सर्जन पटना, डॉक्टर जोशनी पांडे पटना, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार LJP हॉस्पिटल पटना, डॉक्टर अविनाश कुमार भारती IG IGMS, डॉक्टर अखिलेश झा, डॉक्टर मनोज कुमार मौजूद रहे। इन कार्यशाला में बिहार के अलावे झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में फिजियोथेरेपिस्ट प्रतिभागी सम्मिलित हुए थे। इसमें डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर KD उपाध्यक्ष, डॉक्टर मैत्री आदि ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बिहार में करीब 20,000 लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। इनमें से अधिकांश लोग मदरसा बोर्ड, संस्कृत शिक्षा बोर्ड, ओपन स्कूलिंग और अन्य राज्य बोर्ड से 10वीं और 12वीं के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाते हैं। 2023 में ऐसे 20,000 आवेदन रद्द किए गए हैं। राज्य भर के जिलों से आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनका वेरिफिकेशन पटना कार्यालय में किया जाता है। अगर आवेदन पर शक होता है तो उसे फिर से सत्यापित किया जाता है। फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में अन्य राज्य सरकारों से भी मदद ली जाती है। 2023 में 4 लाख आवेदन में से 3,80,000 पासपोर्ट जारी हुए, बाकी के आवेदन फर्जी पाए गए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब तस्करी के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब की खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। SDPO विनीता सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुलिस लाइन के पास एक ट्रक में शराब लदी हुई है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए ट्रक और पिकअप वैन से 1173 लीटर विदेशी शराब बरामद की और 2 तस्करों रणधीर कुमार और मुकेश राय को गिरफ्तार किया। SDPO ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिहार विधानसभा की चार सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए को बढ़त मिली है, जिसमें सत्ताधारी दल की ताकत और मजबूत हुई है। एनडीए के घटक दलों जदयू, भाजपा और हम के विधायकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि महागठबंधन में राजद और भाकपा माले का समर्थन घटा है। अब एनडीए के पास 137 विधायक हैं, जबकि विपक्षी खेमे में 106 विधायक रह गए हैं। भाजपा ने रामगढ़ और तरारी में जीत के बाद 80 विधायक, जदयू ने बेलागंज में जीत के बाद 45 विधायक और हम के पास 4 विधायक हैं। राजद के पास अब 73 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 17 विधायक रह गए हैं। उपचुनाव ने बिहार में एनडीए की स्थिति को मजबूत किया है। बिहार विधानसभा उपचुनाव के परिणाम में एनडीए ने सभी चार सीटों पर जीत हासिल की, जबकि राजद को करारी हार का सामना करना पड़ा। बिहार की तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज सीटों पर अब भाजपा का कब्जा है। हार के बाद तेजस्वी यादव ने राजद कार्यालय में बैठक बुलाकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। तेजस्वी ने माना कि बिहार में हार के बाद पार्टी को और मजबूत करने की जरूरत है और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नफरत फैलाने का काम भाजपा करती है, लेकिन अगले चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। तेजस्वी का मानना है कि ये एनडीए की अंतिम जीत है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जदयू ने निशाना साधते हुए उन्हें कर्तव्य घोटाला न करने की सलाह दी है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में तेजस्वी यादव गायब थे और अब शीतकालीन सत्र में उनकी उपस्थिति पर सवाल उठाए हैं। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि विधानसभा में न जाने को एक प्रकार का कर्तव्य घोटाला माना जाएगा। हाल ही में हुए बिहार के उपचुनावों में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें जदयू को जीत मिली। इस हार के बाद जदयू का उत्साह बढ़ा है और पार्टी तेजस्वी पर निशाना साध रही है कि वे राजनीतिक पराजय से शर्मिंदा है। भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शानदार शतक जमाया। पहली पारी में बिना खाता खोले पवेलियन लौटने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की है। यशस्वी का ये टेस्ट करियर का चौथा शतक है और 22 साल की उम्र में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वे 23 साल से पहले भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। ये उनका ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट था और वो यहाँ अपने पहले टेस्ट में शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। इसके अलावा यशस्वी और केएल राहुल के बीच 201 रन की साझेदारी ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए पहले विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी बनी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है नीरज जोशी, नीतीश कुमार, मोहम्मद जेम्स, परशुराम सिंह, अतीक खान, छोटू राजा, प्रदीप पंडित, रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार, भरत प्रसाद, कृष्णा प्रसाद, अनवर करीम खान, मोतीलाल कुमार, उमेश ऋषिदेव, रविशंकर, राजीव कुमार, राज के शोर में है तो वेद प्रकाश सिंह, सुनील कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के उपचुनाव के रिजल्ट को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।